What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stellar Family. लेक्चर काफी शानदार रहने वाला है, काफी कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। कई सारे बच्चे ये बोले थे कि सर कवर क्या क्या करते हो उसमें। देखिए वो हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो आप लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी खबर मैं यहाँ पर कवर करता हूँ। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को कई बार मिल जाते हैं। जैसा कि आप लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो कई सारे बच्चे जो आकर अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं उसे पता चलता है कि कई बार आप लोगों को ये सारी चीजें डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलती है और कई बार आप लोगों को आवाज तक एग्जाम में याद आ जाती है कि हाँ ऐसा उस टाइम पर बोला गया था। तो मेनली जो फोकस रहता है वो यहाँ पर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी न्यूज बताई जाती है, क्योंकि ज्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं रहता है यहाँ पर जैसे हम लोग दाइंदु में डिसीजन करते हैं। यहाँ पर बस इतना इन्फॉर्मेशन रहती है ताकि आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सको, ठीक है। तो ये याद रखिए। और ये आप लोगों को यूपीएससी या फिर किसी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा बैंकिंग या दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर भी आप लोगों को फायदा पहुंचाती है अगर आप लोग इसको ढंग से सुनकर चलते हो तो, और साथ में रिविजन भी करते हो तो। आज कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक क्विज के साथ में जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। मैच करने के बाद में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना है और शर्माना नहीं है। कई सारे बच्चे शर्माते हैं स्कोर लिखते हुए कि सर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे इसलिए शर्मा जा रहे हैं हम। शर्माने से ऐसे थोड़ी ना कि कहीं नई नवेली दुल्हन हो कि हाँ आंसर देने से आप लोग की इस तरीके से शर्म कर रहे हो। यहाँ पर यार सब फैमिली मेंबर है, गलत होगा सही कराएंगे आप लोगों को, कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं है, सब अपने जैसे ही हैं, ठीक है, तो इसलिए शर्माना नहीं है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया की बात की जा रही है, यहाँ पर इंडोनेशिया के द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो उसकी आज की डेट में कैपिटल है जकार्ता उसको चेंज किया जाएगा। हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था, ये बात की जा रही थी जकार्ता को चेंज करके बिल्कुल ऐसे बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे न्यूयॉर्क, यानी कि जकार्ता को न्यूयॉर्क और नई कैपिटल को वॉशिंगटन डीसी के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी अनाउंस नहीं किया गया कि नई कैपिटल क्या होगी। क्वेश्चन ये था कि कौन सी आइलैंड पे है ये इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता, ये आप लोगों को बताना है। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के हिसाब से अगर हम लोग माने तो इनके द्वारा यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की गई नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जिसको NCAP बोला गया। ये प्रोग्राम का टारगेट है 102 जो वर्स्ट अफेक्टेड हमारी कंट्री में सिटीज हैं, यानी कि जो सबसे बेकार हालत हो चुकी है हमारी कंट्री में सिटीज की पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, वो 20-30% पोल्यूशन कम करना है। कब तक कम करना है ये आप लोगों को बताना था। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कौन सी कंट्री के द्वारा लगभग 3000 किलोग्राम सॉलिड वेस्ट यानी कि कचरा इकट्ठा किया गया माउंट एवरेस्ट से, उसको क्लीन किया गया, यानी कि एवरेस्ट क्लीनिंग प्रोग्राम यहां पर स्टार्ट किया गया था। कौन सी कंट्री के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था? 180 कंट्री को यहां पर बैक किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बोला गया कि जो भी वेस्ट होते हैं और जो हजार जो भी कंपोनेंट होते हैं या फिर मटेरियल जो होते हैं खासकर जो काफी इंपैक्ट डालते हैं तो उनको बोला गया खत्म करने के लिए, जिस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट की आप लोग बात कर सकते हैं, तो किसके द्वारा यहां पर इसको सपोर्ट किया गया है। मिनी मैराथन यहां पर जो कि जिसका टाइटल था यहां पर रन टू वोट, ये मिनी मैराथन अभी कहां पर देखने को मिली? जम्मू और कश्मीर के किस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर ये देखने को मिली ये आप लोगों को बताना था। जो कि लोकसभा के यहां पर इलेक्शन होने वाले हैं उसको अवेयरनेस फैलाने के यहां पर लॉन्च किया गया था। हमारी कंट्री का कौन सा बैंक है जिसके द्वारा फर्स्ट ग्रीन कार लोन स्टार्ट किया गया ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सेल है उसको बढ़ाई जा सके, क्योंकि आप लोगों को पता है एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है किसी और कंट्री के ऊपर हम लोग को डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ेगी ईंधन को खरीदने के लिए, तो इसलिए भी यहां पर बात की जा रही है। तो ये कौन सा बैंक है हमारी कंट्री का जो कि काफी इंपॉर्टेंट बैंक है, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर नाम बताना है आप लोगों को फुटबॉलर का जिसको अभी बात की जा रही है, फुटबॉलर राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा यहां पर फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया 2019 के लिए, इस पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्विज। अब आप लोगों को आंसर बताऊंगा, मैच करने के बाद में बिना शर्माए हुए नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना अपना, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर जो पूछा गया, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता कहां पर सिचुएटेड है? तो यह जावा आइलैंड। एक बार मैप में आप लोग देख लीजिए, यहां पर हो गया हमारा प्यारा भारत, इधर आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, ये हो गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में यहां पर ये देख सकते हैं आप लोग जकार्ता, और ये देखते हैं ईस्ट जावा लिखा हुआ है, तो ये जावा आइलैंड यहां पर हो गया। तो इसमें आप लोगों को जकार्ता है, ऊपर जावा के नाम से जावा सी भी आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा जूम अगर करेंगे तो यहां पर आप लोगों को जावा सी भी यहां पर नजर आ जाएगा। ओके, तो ये है यहां पर जावा आइलैंड जो कि अभी काफी रिसेंटली न्यूज में भी था। नेक्स्ट बात की जा रही है, ये 200 ये यहां पर 102 से जो लगभग 102 के करीब जो सिटीज है उनको 20-30% कम करने की बात की जा रही है पोल्यूशन 2024 तक हमारी कंट्री की यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। प्रोग्राम का नाम है यहां पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेपाल में है माउंट एवरेस्ट जिसकी जो ऊंचाई है कई बार पूछी जाती है 8848 मीटर, तो इतनी ऊंची है यहां पर ये माउंट एवरेस्ट जिसके ऊपर काफी कचरा जमा हो गया, जो लगभग अभी 3000 कचरे यहां पर साफ किया गया नेपाल के द्वारा।
180 कंट्री को यहां पर सपोर्ट करने की बात की गई यूएन के द्वारा, ताकि प्लास्टिक वेस्ट जनरेट को मिनिमाइज किया जा सके। जिस तरीके से हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था, अगर आप लोग कहीं पर जूस वगैरह पीते हैं तो वहां पर स्ट्रो मत लीजिए, कहीं पर जाते हैं खाना खाने प्लास्टिक की चम्मच मत लीजिए वहां पर, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम बाहर जाते हैं तो अपना खुद का थैला लेकर जाइए, तो आप भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कई सारे बच्चों ने कई अच्छे सजेशन भी दिए जो कि मैंने आप लोगों से पूछे थे। बात की जा रही है एक मिनी मैराथन के बारे में, तो ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले रीजन में यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही थी। आगे बात की जा रही है SBI हमारी कंट्री का जो बैंक है उसके द्वारा यहाँ पर ग्रीन कार लोन की बात की गई है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए दिया जाएगा ताकि उसको प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट इसके अलावा अगर बात देखने को मिले, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि रिसेंटली अभी बात इसको प्रमोट करने की जा रही है ग्रीन, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल को, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहां पर फर्स्ट गवर्नमेंट बन गई हमारी कंट्री की, जिसके द्वारा एक पोर्टल स्टार्ट किया गया, यानी कि वेबसाइट स्टार्ट की गई है ताकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। नेक्स्ट ये पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों से पूछा गया था, ये है यहाँ पर रहीम स्टर्लिंग, तो 2019 का फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पर इनको दिया गया है। ओके आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे नजर डालते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, यानी कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, तो देखते हैं क्या क्या न्यूज निकल कर आ रही है। सबसे पहली खबर है आप लोगों के सामने यहाँ पर नेशनल शूटिंग फेडरेशन की साइड से, इन्होंने हीना सिद्धू है इनका नाम दिया है यहाँ पर, और अंकुर मित्तल का राजीव गांधी खेल रत्न के लिए, और इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि हमारी कंट्री का खेल के लिए हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न जो है वो हाईएस्ट अवार्ड है। हीना सिद्धू जो है यहाँ पर ये फर्स्ट इंडियन पिस्टल शूटर है, जो इंटरनेशनल शूटिंग रैंकिंग फेडरेशन के हिसाब से अगर ये पहुंची, जो यहाँ पर ये पहुंची है, इसलिए भी इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। और अंकुर जो मित्तल है, इनके द्वारा कई सारी अवार्ड इनके द्वारा जीते गए, सिल्वर जीता गया, गोल्ड जीता गया, वर्ल्ड कप 2017 में, एशियन चैंपियनशिप में जीते गए मेडल, कॉमनवेल्थ में जीते गए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ओके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि पर्टिकुलर प्लेयर का नाम आप लोग दे देंगे और पूछेंगे कि किस गेम से ये रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं, ये खबर है यहां पर जापान से रिलेटेड, जापान में ये न्यूज निकल कर आ रही है कि जापान में जो राजा हुआ करते थे, अब उनके बेटे यहां पर पावर में आ गए हैं, उनके बेटे जो है यहां पर ये राजा बन गए हैं, जिनका नाम है यहां पर, बाप और बेटा दोनों का नाम आप लोग याद रखते हैं, इनका नाम है यहां पर नोरिहितो, और जो बाप का नाम था इनका जो था अकिहितो, जो कि अप्रैल 31, 2019 से पिक्चर से निकल रहे हैं, और फर्स्ट मई से यहां पर ये पिक्चर में यहां पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नए राजा कौन बने हैं अभी रिसेंटली जापान के, जिनके द्वारा वही बातें बोली गई कि अच्छे से यहाँ पर चीजों को देखेंगे, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, अपने जो पास्ट के जो राजा रहे हैं उनके हिसाब से ये उसको सिचुएशन को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, वही तमाम मुद्दे हैं। बस दो पर्सनैलिटी का नाम याद रखिए, एक तो नरिहितो और दूसरे का नाम है अकिहितो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, हॉकी इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया गया है हमारी कंट्री के, ये है PR श्रीजेश, तो इनका नाम यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर किसके लिए, राजीव गांधी खेल रत्न के लिए, ठीक है, और भी कई सारे प्लेयर का नाम दिया गया और अर्जुन अवार्ड के लिए भी यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीजेश किस खेल से रिलेटेड है, तो ये हॉकी से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट बात है, अपूर्वी चंदेला हमारी कंट्री की जो शूटर है वो वर्ल्ड नंबर पोजीशन पर आ गई है, 10 मीटर एयर राइफल जो इवेंट है उसके हिसाब से अगर देखा जाए। किसके द्वारा रैंकिंग तैयार की जाती है, ये इंडियन शूटिंग फेडरेशन के द्वारा यहाँ पर तैयार की जाती है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। और हमारी कंट्री की अपूर्वी चंदेला फर्स्ट रैंक पर आ गई है यहाँ पर, और इनका नाम उसमें भी है जो आप लोगों को पता है अभी 5 इंडियन शूटर का नाम 2020 के जो ओलंपिक कोटे के लिए इनका नाम है, उसमें 5 प्लेयर का जो नाम यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिला था, ये ओलंपिक जो होने वाले हैं ये टोक्यो में ओलंपिक होने वाले हैं। अच्छा, ये जो ओलंपिक होने वाले हैं इन ओलंपिक गेम का नंबर क्या है, यानी कि कौन से नंबर के ये गेम है यहाँ पर जो कि अभी जापान के अंदर होने वाले हैं। और इसी के अलावा ये बताइए 2024 का भी अभी डिक्लेयर कर दिया गया है, वो वाले ओलंपिक कहां पर होने वाले हैं ये भी आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका के द्वारा अनाउंस किया गया कि कोई भी अगर आकर कोई रिलीजियस से रिलेटेड उल्टी सीधी हरकतें करता है, यानी कि जनता को भड़काने की कोशिश करता है, कुछ उल्टे सीधे यहां पर भाषण वगैरह देता है, एक्सट्रीम कोई रेडिकल आइडियोलॉजी वाला कोई ऐसी एक्टिविटी हरकतें करते हैं यहां पर टेररिस्ट से रिलेटेड, बैन कर दिए गए ये सारी एक्टिविटी श्रीलंका में, क्योंकि अभी आप लोगों को देखने को मिला यहां पर टेररिस्ट अटैक, उसकी वजह से काफी माहौल जो है वो सहमा हुआ है। उन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहां पर ये जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं रनिल विक्रमसिंघे, उनके द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कोई भी ऐसी हरकतें न हो तो उसको रोकने के लिए कोई भी स्टेप उठाने के लिए ये तैयार हैं। आगे काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर ये है कि श्रीलंका के जो फॉर्मर कैप्टन हुआ करते थे कुमार संगकारा, काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थे, इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया यहाँ पर, ये है मारेलेबन क्रिकेट क्लब,
एमसीसी जिसको बोला जा रहा है इंग्लैंड के अंदर, तो इसका इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये फर्स्ट नॉन ब्रिटिश ये इस क्लब के हेड बने हैं, यानी कि अब तक कोई भी ऐसा नहीं बना था जो बाहर का हो, ये बाहर के अब यहाँ पर इसके हेड बना दिए गए हैं। और ये जो चार्ज लेने वाले हैं यहाँ पर, ये अक्टूबर 1st 2019 से चार्ज लेंगे और लगभग 12 महीने यानी कि एक साल तक यहाँ पर ये इसके हेड रहने वाले हैं। इसी के ड्यूरेशन में यहाँ पर देखने को मिलेगा दो इंग्लैंड टेस्ट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और यहाँ पर पाकिस्तान के लिए खेले जाएंगे, तो कैसी ये परफॉर्मेंस रहती है वो देखने वाली होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। काफी बच्चों के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए हैं और यहाँ पर आज नाम है सागुफा परवीन खान, तो आपका भी नाम यहाँ पर आ सकता है अगर आप लोग यहाँ पर प्रॉपर वे में आंसर देते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था यहाँ पर, यह है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया यहाँ पर रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, तो काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर देखते हैं। चार कंट्री है, हमारी कंट्री की जो रैंक है वो 140 है, हालांकि 2018 में ये 138 थी, यानी कि गलत रैंक हो गई है, अब और नीचे आ गई है। फर्स्ट रैंक जो है नॉर्वे की, सेकंड रैंक फिनलैंड की, थर्ड रैंक है यहाँ पर स्वीडन की। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, ये है गगनदीप कांग जिनका नाम हमने आप लोगों से पूछा था, ये जो वो पर्सनैलिटी है जो कि यहाँ पर जिनको रोटा वायरस के लिए अभी हम लोगों ने एक अवार्ड की बात की थी जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से रिलेटेड था और ये फर्स्ट इंडियन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली थी। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर, ये बात की थी रोटा वायरस की, रोटा वायरस से रिलेटेड जो यहाँ पर ये बात की जा रही थी, ये इन्फेक्शन था जो कि डायरिया से रिलेटेड है, बच्चों में खासकर देखने को मिलता है, उसका ये इलाज करने वाली दवाई थी। नेक्स्ट यहाँ पर बात की थी तुर्की के बॉर्डर के बारे में, तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये बात की जा रही है ब्लैक सी के बारे में। ठीक है ना, तो जो नॉर्थ में एरिया है वो ब्लैक सी है जो कि मैंने आप लोगों से पूछा था। यहाँ पर आप लीजिए, आप लोग इसको देखिए तब आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ये देखिए तुर्की के जो ऊपर है यहाँ पर ये ब्लैक सी है। और इसी के साथ मैंने आप लोगों से क्रेच स्ट्रेट के बारे में पूछा था, तो ये भी लोकेशन आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिलेगी। ये वाला जो क्रेच है यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये सी ऑफ एजोव है ऊपर वाला और नीचे वाला है ब्लैक सी, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, तो काफी बच्चों ने अच्छे से आंसर दिए, इसी तरीके से डिटेल में आंसर आप लोगों को देते रहना है। नेक्स्ट हम लोगों ने बायोफिल फ्लाइट के बारे में बात की थी जो कि देहरादून से दिल्ली देखने को मिली थी और ये स्पाइस जेट की फ्लाइट थी यहाँ। ठीक है, तो इसका नाम याद रखते हैं Q400 प्लेन, ये स्पाइस जेट याद रखिएगा, ये मोर देन सफिशियंट है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। फर्स्ट न्यूज जो निकल के आ रही है ये निकल के आ रही है कॉन्ट्रोवर्शियल इंटरनेट बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया अभी रशिया के अंदर वो किया गया है। देखिए आप लोगों को बताया यूएसए और रशिया के बीच में ज्यादा अच्छी बनती नहीं है और आज के डेट में इंटरनेट आप लोग यूज कर रहे हैं, यूट्यूब आप लोग देख रहे हैं, कोई भी जीमेल वगैरह ये सब चीजें बना रहे हैं, ये मैक्सिमम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन खुद की कंट्री का इंटरनेट नेटवर्क यहां पर लॉन्च करने की बात कर रहे हैं जो कि इनकी खुद की कंट्री का होगा और गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया गया इंटरनेट यहां पर होगा। तो उसके लिए यहां पर ये अपनी कंट्री में एक बिल लेकर आए हैं ताकि ऑनलाइन नेटवर्क पर ये अपनी कंट्री का कब्जा रख सके और इनका डेटा कहीं बाहर न जा सके और जिसको रोकना चाहते हैं जहां पर रोकना चाहते हैं वो सब ये काम कर सके। आप लोगों को एक बात पता होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक टाइम पर ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे रशिया के, तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में सबसे ज्यादा पावर थी। आज के डेट में प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट के हाथ में सबसे ज्यादा पावर है, यानी कि जिस भी पोस्ट पर ये इंसान गया है वही पोस्ट इन्होंने अपने कब्जे में ले ली है। और नॉर्मली ये माना जाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे ये इंसान और जवान होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि काफी जिंदा दिल इंसान आप लोग इनको बोल सकते हैं जो कि एक तरह से कंट्रोल में रखता है सब कुछ अपने हाथों के नीचे। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर डिफेंस न्यूज के बारे में, तो जो ये न्यूज निकल कर आ रही है ये है वरुणा एक्सरसाइज के बारे में, ये है यहाँ पर 19.1 वरुणा एक्सरसाइज, तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है वरुणा एक्सरसाइज के बारे में किस किस कंट्री के बीच में है, तो हमारी कंट्री की नेवल फोर्स और जो फ्रांस की नेवल फोर्स है उसके बीच में देखने को मिलते हैं और ये जो है अभी रिसेंटली गोवा के कोस्ट पर आप लोगों को देखने को मिली, इनके हमारी कंट्री में, तो लोकेशन भी आप लोग याद रख सकते हैं। 17th एडिशन यहाँ पर इंक्लूड किया गया, कई सारी और जो इन्फॉर्मेशन है आप वो आप लोगों को पता है, रिसेंटली एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें अभी जो इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज है उनके बारे में आप लोगों को बताया गया था, उसका लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, किस कंट्री के साथ में कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो आप लोग जरूर देखिएगा। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, 3-4 एक्सरसाइज के नाम दे देंगे और बोल देंगे कौन सी कंट्री के साथ में कौन सी एक्सरसाइज है, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। और ये आप लोगों से नॉर्मली कोई पूछने वाला है नहीं कि हमारी कंट्री से किसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया और फ्रांस के द्वारा किसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, यानी कि कौन कौन से जहाज यहाँ पर पार्टिसिपेट किए। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है तो वीडियो को पॉज करके इनको रट सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है वो बता देता हूँ। सबसे पहली एक्सरसाइज का नाम, दूसरा किस किस कंट्री के बीच में हुई है, तीसरा कहाँ कहाँ पर हुई है और चौथा मैक्सिमम ये पूछा जा सकता है कि कौन सा एडिशन था जो कि 17वां एडिशन था। इसके अलावा हल्की सी बात आप लोग और याद रखते हैं कि कितने फेज में हुई, तो दो फेज में है, एक तो हार्बर यानी कि कोस्ट पर देखने को मिलेगी और दूसरा सी फेज यानी कि समुद्र के अंदर देखने को मिलेगी। ये बातें इंपॉर्टेंट है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेट की बात की जा रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, यह है फानी साइक्लोन के बारे में। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, फानी साइक्लोन जो अभी देखने को मिला ये
लगभग माना जा रहा है कि 170 से 180 किलोमीटर पर आर की स्पीड से यहाँ पर चला है, जो कि काफी खतरनाक स्पीड आप लोग बोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे देखने को मिली कि बहुत सारे लोगों को बचा लिया गया। ये है हमारी कंट्री का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके द्वारा वो जो वार्निंग जारी की गई उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बचा लिया गया है और कई सारे एरिया में ये आप लोगों को आज के डेट में तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगर पहले से वार्निंग रहती है तो आदमी इंसान जो है थोड़ा संभल जाते हैं और वही काम यहाँ पर किया गया। हालांकि आने वाले टाइम में काफी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, फूड, ड्रिंकिंग वाटर या मेडिसिन वो सप्लाई यहाँ पर की जा रही है डिपार्टमेंट की साइड से। ये अच्छी बात है। सिविल एविएशन और जो शिपिंग मिनिस्ट्री है, रेलवे, सब मिलकर प्रिपेयर है कि कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करना है। कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करने के लिए तैयार है। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप आप लोग बोल सकते हैं, वरना पहले अगर ऐसे कोई साइक्लोन आया करते थे तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाती थी, पर अब की बार ये कंडीशन काफी कंट्रोल में है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर स्पेस और सैटेलाइट के बारे में। तो जो ये न्यूज है यहां पर, ये है एक सैटेलाइट के बारे में जो कि रिसेंटली अभी लॉन्च करने की बात की गई है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV के थ्रू। ये है RISAT-2B-RI-1। ये है यहाँ पर जो कि मई 2019 के एंड तक यहाँ पर लॉन्च करने की बात की जा रही है, जो कि यहाँ पर रडार इमेजिंग सैटेलाइट बोला जा रहा है। ये यहाँ पर काफी अच्छे से काम करने वाला है और PSLV-C46 से यहाँ पर ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा यहाँ पर आंध्र प्रदेश के, यहाँ पर आंध्र प्रदेश से। इसके बाद में यहाँ पर जो कि RISAT-2B-RI इसरो के द्वारा सेंड करने के बाद में यहाँ पर यह है कार्टोग्राफी सैटेलाइट, यह है कार्टोसैट 3, इसकी भी लॉन्च करने की बात की जा रही है। डिफेंस रिलेटेड सैटेलाइट भी यहाँ पर लॉन्च करने की बात की जा रही है अर्ली जुलाई और अगस्त के अंदर में। ये भी सारे जो लॉन्च किए जाएंगे यहाँ पर, जो रॉकेट है यहाँ पर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उससे लॉन्च किए जाएंगे, यानी कि डिफेंस के लिए भी काफी हमारी कंट्री में आज के डेट में सोचा जा रहा है कि हाँ इस तरीके की भी सैटेलाइट होने चाहिए ताकि हमारी डिफेंस फोर्सेज के लिए फायदा उनसे पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अवार्ड और ऑनर के बारे में। हमारी कंट्री की एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि फॉर्मर इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं, AS किरण कुमार, इनको बात की जा रही है, फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड कंफर्म किया गया है इनको। ये जो अवार्ड है इस तरीके से जैसे हमारी कंट्री का भारत रत्न है, इसी तरीके से इनको कैवलियर डे ऑर्डर नेशनल डे ला लीजन ऑफ द ऑनर, ये कंप्लीट इसका नाम है, जो कि आप लोग रटने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड आप लोगों से पूछा जाएगा, नाम नॉर्मली आप लोगों का नहीं देखने को मिलेगा ये, क्योंकि ये फ्रेंच शब्दों में ही ये नॉर्मली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दिया जा रहा है अलेक्जेंडर जिगलर, ये इनके एम्बेसडर हैं, ये प्रेसिडेंट जो कि हैं इमैनुअल मैक्रोन उनके बिहाफ में ये इनको दिया जाएगा हमारी कंट्री में जो एम्बेसडर हैं ये। आखिर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशन रहे हैं वो काफी अच्छे से डेवलप किए गए, खासकर स्पेस के फील्ड में इनके द्वारा एक दूसरे की हेल्प की गई काफी अच्छे से, और एम्बीसीएस कई सारे स्पेस में कोऑपरेशन देखने को मिले इंडिया और फ्रांस के बीच में, वो इन्हीं के टाइम पर देखने को मिले। अच्छा, हमारी कंट्री में इसरो के द्वारा जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, क्या आप लोगों को उसका नाम पता है? उसका नाम जाकर सर्च कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है स्पोर्ट के बारे में। तो ये भी काफी सुनी हुई पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है, बजरंग पूनिया, बहुत बार आप लोग नाम सुन चुके हैं, अली अलिया रेसलिंग टूर्नामेंट जो कि अभी आप लोगों को देखने को मिली यहाँ पर रशिया के अंदर, वो इनके द्वारा जीत ली गई है। और इंपॉर्टेंट क्या है, एक वीक के अंदर ये इनका दूसरा, ये दो वीक के अंदर इनका दूसरा टाइटल है जो कि गोल्ड कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, अभी रिसेंटली चाइना में देखने को मिला था। और इंडियन फेडरेशन के द्वारा इनका नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भी यहाँ पर अभी दिया गया है, जो कि काफी चांसेस है कि इनको यहाँ पर मिल जाएगा। और फर्स्ट इंडियन यहाँ पर ये है जिनको अभी एक कंट्री के द्वारा इन्वाइट किया गया फाइट करने के लिए, कौन सी कंट्री के द्वारा इन्वाइट किया गया है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आज के में हो चुके हैं और ये एक तरीके से आशा लगाई जा रही है कि आने वाले टाइम पे काफी लंबे समय तक नंबर वन की पोजीशन पर रहने वाले हैं, क्योंकि नवंबर में भी नंबर वन की पोजीशन पर थे और फिर आज भी ये नंबर वन की पोजीशन पर हैं। एक नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं जो कि है आप टोडाबा नेशनल पार्क, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ये महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि एग्जैक्ट यहां पर लोकेशन अगर देखेंगे तो ये आप लोगों के सामने लोकेशन है, ठीक है। स्टार टोर्टोइस, ये आप लोगों को यहां पर ऐसा कछुआ देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये है, महाराष्ट्र के अंदर ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है ये, जो कि 1955 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। जो पॉलिटिकल रीजन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नालसा के बारे में जिक्र किया जा रहा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो कि हमारी कंट्री में जस्टिस फॉर ऑल प्रोवाइड कराने की बात करती है। कौन से आर्टिकल में संविधान में बोला गया कि फ्री एंड लीगल एड प्रोवाइड कराना है, खासकर पुअर सोसाइटी में जिनके पास में पैसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में जाने का, कौन सा आर्टिकल यहाँ पर संविधान में ये बोलता है कि ये राज्य की ड्यूटी है कहीं ना कहीं कि ऐसी अरेंजमेंट उनको करनी है, और इसी के चलते लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट हमारी कंट्री में आया, उस एक्ट का ईयर आप लोगों को बताना है कब वो एक्ट आया। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। एक बार नजर डालते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर एक क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है।
एक क्विज का आंसर स्टार्टिंग में देखा, काफी अच्छे से आप लोगों के द्वारा अटेम्प्ट किया गया है। फिर हम लोगों ने देखा किस किस पर्सनैलिटी के नाम रिकमेंड किए गए हैं खेल के प्राइज के लिए। जापान के नए जो किंग बने उसके बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर एक और पर्सनैलिटी के बारे में जाना जिनको खेल रत्न देने की बात की जा रही है। फर्स्ट हमारी कंट्री में रैंक पर पहुंच गए कई सारी पर्सनैलिटी, अपूर्वी चंदेला भी उनमें से एक है। श्रीलंका के द्वारा इतिहाद बरती जा रही है कई सारी ताकि कोई और प्रॉब्लम न हो सके। संगाकारा को यहाँ पर चुन लिया गया है किसके लिए, इंग्लैंड के लिए, यहाँ पर जो क्रिकेट का क्लब है उसके लिए, जो कि काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। फर्स्ट ये नॉन ब्रिटिश हो गए हैं। आंसर आप लोगों के द्वारा काफी अच्छे से दिए गए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट आप लोगों को करते रहना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नेक्स्ट जो बात देखने को मिली, ये कंट्रोवर्शियल बिल की बात की गई जो रशिया के द्वारा निकल कर आ रहा है इंटरनेट से रिलेटेड। वरुणा एक्सरसाइज के बारे में हम लोगों ने जाना, इसके अलावा जो फानी साइक्लोन के बारे में हम लोगों को जानने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सेटेलाइट लॉन्च करने की इसरो के द्वारा, उनके बारे में जाना। हाइएस्ट अवार्ड इंडिया के जो फॉर्मर जो इसरो के चीफ हैं उनको यहाँ पर अभी देखने को मिला। इसके अलावा हम लोगों ने एक और रेसलिंग अवार्ड देखा यहाँ पर जो कि बजरंग पुनिया को गया, नेशनल पार्क। और यह आप लोगों का पॉलिटिकल रिवीजन जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, और ये टेलीग्राम पर भी ये लिंक पोस्ट कर दिया जाते हैं, वहां से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। आइए नजर डालते हैं आज के क्विज के बारे में। नेशनल शूटिंग फेडरेशन के द्वारा रिकमेंड किया गया यहाँ पर हिना सिद्धू, और इसी के साथ में यहाँ पर यह है अंकुर मित्तल का नाम, तो ये किस अवार्ड के लिए इनका नाम दिया गया है। 59 ईयर ओल्ड जिनका नाम है यहाँ पर नोरिहितो, ये जापान के थ्रोन पर बैठ रहे हैं अपने फादर के बाद में। फादर का नाम क्या था ये आप लोगों को बताना है, था क्या अभी जिंदा है। इसके अलावा बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की कौन सी पर्सनैलिटी जो नंबर वन पोजीशन पर पहुंच गई है 10 मीटर राइफल इवेंट है उसमें, ये आप लोगों को बताना है इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन की रैंकिंग के हिसाब से। श्रीलंका के प्लेयर का नाम आप लोगों को बताना है जिसको क्रिकेट क्लब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, और खासकर इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, सॉरी ये तो आंसर आप लोगों को यहीं पर ही बता दिया चलिए कोई नहीं, ठीक है। संगाकारा है जिनको यहाँ पर अभी ये इसके लिए नवाजा गया है, और अच्छी बात यहाँ पर ये फर्स्ट नॉन ब्रिटिश है ये, तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आप लोगों से पूछ ले आते हैं जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। कौन सी कंट्री के द्वारा अपनी खुद की कंट्री का इंटरनेट ला बनाने की बात की जा रही है ताकि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी न रहे। इंडो फ्रांस जो यहाँ पर एक्साइज है जिसका नाम है वरुणा 2019, ये अभी कहाँ पर देखने को मिली ये आप लोगों को बताना है। इसके साथ में यहाँ पर बात की जा रही है RISAT-2BRI फर्स्ट, ये अभी हमारी कंट्री में लॉन्च करने की सैटेलाइट की बात की जा रही है, कौन से व्हीकल से इसको लॉन्च किया जाएगा ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करना मत भूलिए, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। बाकी इसी तरीके से इंजॉय करते रहिए और शेयर करना मत भूलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाया जा सके। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।